ये पानी परमात्मा का प्रसाद है। एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका हमने उपयोग करना चाहिए। पालघर जिले के धामणी में सूर्या बांध भी इसी उद्देश्य से बनवाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के जल संरक्षण के विजन के तहत सारे विकास कार्यों की योजना बनाते समय पानी की बढ़ती हुई जरूरत सामने आई और यहीं से सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना तैयार की गई। सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना के अनुसार वसई स्थित चरण एक में सूर्या बांध के पास कवड़ास बांध से लिए गए पानी को सूर्या नगर के जल शुद्धिकरण केंद्र में शुद्ध किया जाएगा। ये पानी लगभग 82 किलोमीटर लंबे भूमिगत चैनल के माध्यम से वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए काशिद कोपर स्थित जलाशय में भेजा जाएगा और मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए घोड़बंदर चेणे जलाशय में भेजा जाएगा। परियोजना में पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए मीरा भाईंदर में पाइपलाइन के लिए एक विशेष भूमिगत मार्ग का निर्माण किया गया है। सूर्या क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना का कुल खर्च लगभग 1150 करोड़ रुपयों से अधिक है। इस प्रोजेक्ट में पानी ग्रेविटी की मदद से लिया जाएगा जिससे निश्चित रूप से बिजली की बचत होगी। इस परियोजना के माध्यम से मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वसई विरार क्षेत्र के लगभग 30 लाख लोगों को 403 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी। ये योजना मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे, उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और उपमुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार के मार्गदर्शन में पूरी हो रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये योजना पूरी तरह जीवनदायी साबित हो रही है।